टॉपिक डालो, सरफेस एनर्जी। तो मैंने बताया था आप लोगों को जो मॉलिक्यूल सरफेस में होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सरफेस एनर्जी, तो जैसे अलग अलग हम लोग लिक्विड ड्रॉप वगैरह लेंगे, सोप बबल लेंगे, तो उनकी सरफेस एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल इन लिक्विड, लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल इन लिक्विड, तो मान लो मैंने एक लिक्विड ड्रॉप लिया जिसकी रेडियस है आर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी कितनी होगी। इसका सरफेस का एरिया हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, यही पढ़ा था क्या। यस सर। तो जो वर्कडन ये इस बबल को फॉर्म करने में जो वर्कडन करा, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, क्या वही इसकी एनर्जी होगी। बबल को फॉर्म करने में जो एनर्जी लग रही है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो देखो टी इंटू डेल्टा ए मतलब सरफेस टेंशन इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो यू बराबर हो जाएगा टी इंटू सरफेस एरिया, कितना इसका सरफेस एरिया बताओ, स्फेरिकल है, स्फेयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। U बराबर होगा T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड लेते हैं हम लोग सोप फिल्म, सोप फिल्म। मान लो मैंने वायर का एक फ्रेम ले लिया इस तरह से और एक ये वायर, और इसके अंदर ये सोप बबल फॉर्म हो रहा है, ये क्या आपका वायर फ्रेम। तो सरफेस टेंशन ये मूवेबल है, ये जो रॉड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको या एक थिन वायर है, ये मूवेबल है फ्रेम के ऊपर। इसकी लेंथ लेते हैं एल और इसकी विड्थ लेते हैं बी। तो सरफेस टेंशन के कारण ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे करके सरफेस एरिया कम करना चाह रहा होगा। तो मान लो पहले ये यहां तक ही था, मैंने इसको खींच के यहां तक एक्सटेंड किया तो मैंने कितना वर्कडन किया, स्टार्टिंग में कैसा था ये, स्टार्टिंग में दोनों यहीं पे होंगे, फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया, ऐसे फोर्स लगाया और ये बबल फॉर्म हुआ, सॉफ्ट फिल्म फॉर्म हुई, ऐसी तो होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि नहीं आ रही। मान लो ये वायर का फ्रेम है, इस फ्रेम को मैंने क्या करा, पानी के अंदर डुबाया, सोप बबल में डुबाया और इसके ऊपर मैंने यहां पर एक और वायर रख दिया। अब उस वायर को मैं खींच रहा हूं, वायर यहां तक जाएगा, यहां पर सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगी, और ज्यादा एक्सटेंड करोगे यहां तक तो यहां तक सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे डुबाओ फिर इसको बड़ा करते जाओ। यस सर। बात समझ में आ रही है। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो वही वर्क डन तो इसमें स्टोर हो रहा है, इसकी सरफेस एनर्जी में। यस सर। तो सबसे पहले तो फोर्स कितना होगा, फोर्स बताओ। इसमें दो लेयर होती है क्या,
सोप फिल्म में तो दो लेयर होगी, यस सर, एल इसके पीछे भी एक और एल होगा, दो लेयर ऐसे करके, एफ इक्वल टू होगा टी इंटू टू एल। ये बात समझ में आई क्या? टू एल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि दो लेयर है, दो लेयर। अब एरिया में कितना चेंज होगा, कितना एरिया इसका, एल इंटू बी, यस सर एल बी, ठीक है। तो फोर्स हो गया टी इंटू टू एल, और अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात करूं तो टी इंटू एल इंटू बी, एक तो ये हो गया, एक इसके पीछे भी होगा एल इंटू बी, दो लेयर है ना, तो टू एल इंटू बी। ये बात समझ में आई क्या? यस सर, सरफेस एनर्जी हो जाएगी टी इंटू टू एल बी, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप के बाद लेते हैं सोप बबल। सोप बबल सोप बबल ले लिया, आपको पता है कि सोप बबल में दो लेयर्स होती है और इनकी रेडियस अप्रोक्स इक्वल ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगे आर वन आर टू, दोनों की रेडियस सेम ही मानोगे आप। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टी सरफेस टेंशन है तो टी इंटू, एक सरफेस का एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर, दो सरफेस है तो एट पाई आर स्क्वायर, तो ये सरफेस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए? यस सर। सोप फिल्म वाले एक बार और बता दो। सोप फिल्म वाला, हाँ जी, मान लो मैंने एक वायर का फ्रेम बनाया है ना, यस सर, और यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया मैंने कि एक वायर यहाँ पे मूव कर सकता है, ऐसे करके, ये yes, वायर क्या कर सकता है यहाँ पे, दिख रहा है इस तरह से कि मूव कर सकता है। अब इसको पानी में डुबाऊंगा तो क्या होगा, ये उतनी इतनी गैप पे रहेगा पानी पे या फिर किस पर, सोप के जो लिक्विड होता है सोप में उसमें डुबाया और फिर बाहर निकाला, ये ऐसे ही रहेगा क्या जब चिपक जाएगा? ये क्या हो जाएगा, अगर आप लिक्विड में डुबोगे सोप में, सोप के उसमें सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा इसके, ये यहां पे आ जाएगा। यस सर। कभी दाढ़ी बनाई है आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं बनाई, तो दाढ़ी आई नहीं अभी तक। सर आ गई है, सर आ गई है। बेटा आद्या है कि नहीं है, दाढ़ी वाड़ी बनाई नहीं बनाई? आद्या नहीं है, अच्छा किसी को दाढ़ी बनाते देखा होगा आप लोगों ने, तो दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, ठीक है, इस तरह से ब्रश होता है, उसके हेयर्स इस तरह से होते हैं ना, यस सर, यस सर। तो पानी में डुबाओ, पानी में डुबा के बाहर निकालो, उसके हेयर्स कैसे हो जाएंगे ऐसे, ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है? एडहेसिव फोर्स है सर, सरफेस टेंशन के कारण एरिया कम करने की कोशिश करेगा। अब इसको अलग अलग करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा जो सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको फोर्स कितना लगाना पड़ा
टी इंटू ट्वेल्व, ये तो समझ में आ गया था, टी इंटू ट्वेल्व कैसे होगा आयुष? क्योंकि ये लेंथ एल थी, ये लेंथ ले दो लेयर थी। अच्छा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। हां सर, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट बी का? बी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू बी। हां सर, टी इंटू टू एल बी, टी इंटू टू एल बी, यही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यस सर, समझ गया? हाँ सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। A drop of liquid has surface energy टेन जूल। एक लिक्विड का ड्रॉप है जिसकी एनर्जी कितनी है? टेन जूल। If it is broken into 1000 identical drop, then what extra work done? कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा? कैसे निकालोगे? अभी जो एनर्जी है और बाद में जो एनर्जी आएगी, दोनों एनर्जी को माइनस कर देंगे तो जो एनर्जी आई वही मेरा वर्क डन हुआ। यस सर, बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी जो एनर्जी है और बाद में जितनी एनर्जी आएगी, तो बाद वाली एनर्जी से इनिशियल एनर्जी माइनस कर दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वही आपका वर्क डन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। एक बड़ा ड्रॉप था जिसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली, इसको हमने छोटे छोटे 1000 ड्रॉप में कन्वर्ट किया, जिनकी ईच की रेडियस है आर, तो वॉल्यूम सेम रहता है अगेन 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉप, 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, तो 4/3 पाई आर इक्वल टू 10 आर। अभी कितनी एनर्जी है इसकी? यू इनिशियली कितना होगा? क्या पढ़ा था हमने? टी इंटू कौन सा बल्ब है? लिक्विड ड्रॉप है ना, ध्यान रखना है। सोप बबल होगा तो टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, यहां पे लिक्विड ड्रॉप है तो टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये यू इनिशियल है। एंड यू फाइनल टी इंटू 8 यू फाइनल कितना है? पहले तो 1000 ड्रॉप से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. अब दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करें? चलो यू फाइनल निकाल लेते हैं।
यू फाइनल किसने निकाला, डिवाइड कर दूं? यू इनिशियल बताइए मुझे, यू इनिशियल, यू फाइनल, 4π 4π, टी टी कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन 1000 आर स्क्वायर। यू इनिशियल कितना है 10 जूल, यू फाइनल आर की जगह क्या रख सकता हूं 10 आर, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 1000 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यू फाइनल कितना आएगा, दिख रहा आप लोगों को यहां पर? दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, 1212 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू फाइनल आ जाएगा 100 जूल। इनिशियली एनर्जी कितनी थी 10 जूल, अब कितनी हो गई 100 जूल, कितना वर्क डन 100 जूल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 100 - 10 दैट इज 90 जूल। बोलो आया? यस सर। यस, नोट कर लो इसको। हो गया नोट बेटा? यस सर। एक मिनट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, लिक्विड वाटर है, इस वाटर से एच इक्वल टू आपको गिवन है कितना 10 मीटर, आई थिंक 10 मीटर, 10 मीटर डेप्थ पर एक एयर बबल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एयर बबल, एयर बबल की रेडियस नहीं दे रखी हम लोगों को, ये पता आप लोगों को कि वाटर है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस है 4 डिग्री सेल्सियस पर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी नॉट, इसके अंदर पी प्रेशर होगा, प्रेशर होगा पी, इसकी रेडियस मानना चाहो तो आर मान लो, आर आपको गिवन नहीं है लेकिन आपको यह पता है कि वो 10 मीटर की डेप्थ पर है, इतना पता है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। सर किसके अंदर? बबल के अंदर। बबल के अंदर, रुको 2 मिनट।
एक्सेस प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर इन बबल, मतलब इसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है। फाइंड पी एक्सेस निकालना है कि निकालना, दो मिनट पहला ऊपर लोगों को जी भी दे रखा है, यहां पे जी दे रखा है 10 m/s², टी आप ले लेना सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट दे रखा है आपको 10^5 pascal, और आर दे रखा आपको रेडियस ऑफ एयर बबल। हमें फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल। फाइंड एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल, डेंसिटी रो है। हाँ डेंसिटी बताइए आप लोगों को, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg/m³। 4 degree Celsius पे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³, ध्यान रखना। अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है 4 degree Celsius तो इस समय की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है वाटर की, दैट इज 1000 kg/m³। फाइंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, एयर बबल के अंदर कितना अधिक प्रेशर है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है इसके अंदर। सर 2t/r + 10k/10। टू टी बाय आर प्लस टेन के पार टेन। फाइंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल एंड आल्सो फाइंड प्रेशर इनसाइड बबल। एक तो एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा इसके अंदर ये पी प्रेशर है वो उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी फाइंड करना। अच्छा मैंने पी इनकी निकाली थी सर। तो एक्सेस प्रेशर तो आपको पता ही है, पी एक्सेस क्या होता है, पी इन माइनस पी आउट। अगर एयर बबल फॉर्म हो रहा है तो हम लोगों ने पढ़ रखा ना 2t/r होता है। यस सर। याद है भूल गए? याद है सर। पी इन माइनस पी आउट 2t/r होता है। अच्छा पी आउट कितना होगा इस बबल के बाहर, यहां पर कितना प्रेशर है? पी नॉट प्लस रो जी एच। पी आउट पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच। पी एन की जगह लिख लेंगे पी, पी आउट की जगह लिख लूंगा मैं पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू 2t/r। पी पी नॉट पता है आपको 10^5 pascal, रो एक तो होता है 1000, जी 10, एच 10, 2t/r। तो देखो ये भी 10^5 हो जाएगा। हाँ सर। तो पी बराबर हो जाएगा 2t/r प्लस 2 × 10^5। तो 10^5 इसको पी नॉट भी लिख सकता हूँ चाहो तो 2t/r नहीं हो सकते हो। 10 की पावर 10 नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता तो बेटा तब होगा।
टू टी बाय आर प्लस टू पी नॉट, दिस इज द प्रेशर इनसाइड द बबल. दिख रहा है आप लोगों को प्रेशर? यस सर. ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से. सर पी एक्सेस, पी एक्सेस तो ये आ गया, पी एक्सेस तो यही है टू टी बाय आर. हाँ सर. सर तो उसकी वैल्यू कुछ? वैल्यू तो हमको टी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा. टी और आर हमको दे नहीं रखा ना. एक और सवाल देख ले. चलो अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा है. दो सौ बबल है, मान लो एक की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2. ठीक है. yes. अब इनको मैं जब ज्वाइन करूंगा, इन दोनों बबल को ज्वाइन किया, तो अब जो रेडियस होगी कौन सी यहां पर, अब ये पहले रेडियस ऐसे बन रही थी, अब रेडियस आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, इस डैश डैश करके. बात समझ में आ रही है? इसकी रेडियस क्या होगी निकालना हम लोगों को. किस वाले की? तो डैश वाली लाइन है, डैश डैश. अगर ये एक्चुअल में पूरा होता तो ऐसे होता, और ये पूरा होता तो ऐसे होता. हाँ. तो इन दोनों के कारण इसकी रेडियस कुछ इस तरह से, ये बाउंड्री इस तरह से फॉर्म होगी. क्वेश्चन है, टू सो बबल्स, टू सो बबल्स आर जॉइन अस शोन. टू सॉप बबल्स आर जॉइन अस शोन, फाइंड रेडियस ऑफ बाउंड्री लाइन शोन. फाइंड रेडियस ऑफ बाउंड्री लाइन. बाउंड्री पता ही आप लोगों को, yes, दोनों को अलग अलग करने वाली जो लाइन है. फाइंड रेडियस ऑफ बाउंड्री लाइन As shown, इसके ऑप्शन भी गिवन है आप लोगों को. ऑप्शन ए आर वन अपॉन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू. ऑप्शन बी आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन. ऑप्शन सी आर टू माइनस आर वन. ऑप्शन डी आर वन प्लस आर टू. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका?